वो समझती क्या अपने आपको? एक बात बताओ, आखिर में उसको महेश अंकल से क्या दुश्मनी है? बार बार इसी कोशिश में लगी रहती है कि कैसे महेश अंकल को बेसमेंट से लाकर यहाँ घर में ले आए, ताकि महेश अंकल का मजाक बना दे, एक तमाशा बन के रह जाए। क्यों करती है वो ऐसा? तुम एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ घर वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा था कि महेश अंकल को बेसमेंट नहीं रहने देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी भी वक्त वायलेंट हो सकते हैं, किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, बोला था ना। उन्होंने कितने लोगों पे अटैक किया आज तक, इसी वजह से मैंने उन्हें बेसमेंट में रखा है। लेकिन प्रीता क्या करती है, बार बार यही कोशिश करती है कि वो महेश अंकल का मजाक कैसे बना के रखते हैं। देखो, राखी आंटी का समझ में आता है मुझे, क्योंकि राखी आंटी महेश अंकल की वाइफ है, उनकी केयर करती है, उनके लिए इमोशनल है, उनसे प्यार करती है, इसलिए बार बार भूल जाती है कि महेश अंकल को क्या प्रॉब्लम है, बार बार भूल जाती है कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें यहाँ ऊपर घर में नहीं लाना है, नहीं तो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रीता, प्रीता को सब दिखता है, सब जानती है, उसके बावजूद ऐसी कोशिशें करती रहती है वो, क्यों? मुझे गलत प्रूव करने के लिए। मैं जो कर रहा हूँ ना, उसका ऑपोजिट करना है उसको, क्योंकि उसके लिए उसका ईगो, उसका एटीट्यूड, वही इंपॉर्टेंट है, और मुझे गलत ठहराने के लिए, गलत प्रूव करने के लिए आज उसने मुझे सीढ़ियों से भी गिरा दिया। उसने गिरा दिया? हाँ, देखो तुम ये मत पूछना मुझसे कि कैसे गिरा दिया, वहां पे तो मैं अकेला ही था, वहां तो वो थी नहीं, मुझे बस इतना पता है कि आज मैं सीढ़ियों से गिरा हूं तो वो उसकी वजह से गिरा हूं। कृति, वो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है ना, इसी वजह से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे देता हूं मैं उसको, बट ट्रस्ट मी, अगर आगे से उसने मुझसे कुछ भी गलत बोला या मेरे साथ कोई भी गलत हरकत की ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा कृति। उसके बाद मुझे कुछ मत बोलना, कुछ मत कहना तू। रिलैक्स। बोलूंगी तो सही पृथ्वी जी, जवाब देने के लिए बोलूंगी। आप उसे पलट के जवाब देंगे? अब तक प्रीता और आपके बीच में जो भी चल रहा था ना पृथ्वी जी, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी और प्रीता की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में काफी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। लेकिन पृथ्वी जी, अब बात मेरे मामा जी पे आ रही है, मेरी फैमिली पे आ रही है, और मैं चुप नहीं बैठने वाली, और चुपचाप बैठ के तमाशा तो बिल्कुल नहीं देखने वाली। आप सही कह रहे हैं, मेरी मामी जी भोली है, प्यार करती है मामा जी से, उनकी वाइफ है, तो दिल से सोचती है हर चीज, सही क्या है गलत क्या है मामी जी को पता ही नहीं चलता। आपको तो पता है ना कि सही क्या है और गलत क्या है, तो सही चीज कीजिए पृथ्वी जी। आपकी वाइफ आपके साथ है, मेरी पूरी फैमिली आपके साथ है, बात मेरे मामा जी की है, मेरी फैमिली की है, तो मैं तो क्या पूरी फैमिली आपका साथ देगी पृथ्वी जी। आप बस इस बार ठान लीजिए कि प्रीता की किसी भी गलती का, किसी भी हरकत का आप पलट के जवाब देंगे, आप चुप नहीं बैठेंगे ना। आई एम विद यू, जस्ट डू इट, ओके, गो अहेड। थैंक यू कृति फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। थैंक यू ऑलवेज।